हे फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी इमली और गुड़ की चटनी, टैमरिंड जैगरी सॉस, जो कि बहुत सारे इंडियन स्नैक्स के साथ में यूज़ होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेते हैं और इसमें हम ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ऑयल। जब ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसमें रोस्टेड क्यूमिन सीड्स ऐड कर लेंगे और साथ ही में रेड चिली पाउडर भी ऐड कर लेंगे। आपके पास अगर हींग हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर से इस सॉस का कलर बहुत अच्छा आएगा और जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। अब हम 15 मिनट के लिए इमली को वाटर में सोक करके रखेंगे और उसका पल्प एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब मैं इसमें ये इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ और हमें इसे बीच बीच में स्टिर करना है और जब तक ये उबलना ना शुरू हो जाए हम इसे पकाएंगे। लेकिन हमें जो अपने गैस का फ्लेम है उसे लो टू मीडियम रखना है, उसे हाई नहीं करना है। मार्केट में सीडलेस टैमरिंड भी मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे पल्प एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा इजी रहता है, ज़्यादा मैसी नहीं होता। लगभग एक मिनट में इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है तो अब मैं यहाँ इसमें ऐड करूँगी कुछ जैगरी के पीसेस। आप चाहें तो आप गुड़ और पानी का सिरप बना के उसे फ़िल्टर करके भी यूज़ कर सकते हैं, उससे जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी गुड़ में वो रिमूव हो जाएंगी। अब ये जो गुड़ है ये इस सॉस को थिकनेस देगा और इसका जो इमली की खटास है उसको बैलेंस करेगा अपनी मिठास से। तो बहुत ही टेस्टी सी सॉस बनती है ये, इमली की खटास, गुड़ की मिठास और अभी हम इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे तो बड़ा टैंगी सा फ्लेवर आता है इसका। हम इसे पकाते रहेंगे, बीच बीच में स्टिर करेंगे जब तक ये बॉयल होना ना शुरू हो जाए और इसके ऊपर एक ग्लेज ना फॉर्म हो जाए। थोड़ी देर में इसमें ऊपर से एक ग्लेज बन जाएगा, एक शाइन सी आ जाएगी। बस हमें इसे उस स्टेज तक ही पकाना है। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा टेबल सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास रॉक सॉल्ट हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लगभग 2 से 3 मिनट हम इसे बॉईल करेंगे और अब आप देख पा रहे होंगे इसमें ऊपर ग्लेज बनना शुरू हो गया है, एक शाइन सी आ रही है इसमें ऊपर। तो बस अब हमें अपने गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और हमारा जो ये सॉस है रेडी हो चुका है। मैं एक बार आपको इसका टेक्सचर दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब हम जो ये सॉस है इसे हम किसी बोल में निकाल देंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में रख के रेफ्रिजरेट कर लेंगे। हमने इसमें कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया लेकिन हम 2 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। और फिर आप इसे चाहें तो चाट में, दही भल्ले में यूज़ कर सकते हैं, इवन फ्रिटर्स के साथ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें किसी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और ये एकदम होममेड है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।